के बाद एक खरोच भी आई दुनिया चला दूंगा पापा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रणवीर कपूर की मचावटी हुई फिल्म एनिमल के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दुनिया भर से इस मूवी का कितने स्क्रीन मिले थे। तो दोस्तों बात की जाए इस मूवी के लीड एक्टर की, तो इस मूवी में हमें देखने को मिले थे रणवीर कपूर, बॉबी देओल और साथ ही साथ हमें देखने को मिली थी रश्मिका मंदाना। तो दोस्तों साथ ही साथ बात की जाए एनिमल मूवी के स्क्रीनिंग के बारे में, तो एनिमल मूवी को लगभग इंडिया से स्क्रीनिंग मिले थे 4,800 और साथ ही साथ बात की जाए ओवरसीज से, तो इस मूवी को 2,000 प्लस की स्क्रीनिंग मिली थी। बात कीजिए एनिमल मूवी की वर्ल्ड वाइड स्क्रीनिंग की, तो 6,800 प्लस स्क्रीनिंग मिले थे वर्ल्ड वाइड से। तो दोस्तों अभी बात करते हैं एनिमल मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 54,75,00,000 रुपए। दोस्तों बात कीजिए मूवी के वीकेंड के बारे में, तो 175,85,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। इस मूवी का पहले हफ्ते कलेक्शन हुआ था 296,55,00,000 रुपए और इस मूवी का लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन था 493,00,000 रुपए। बात कीजिए इस मूवी के फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन की, तो 63,80,00,000 रुपए का कलेक्शन हुआ था। वीकेंड कलेक्शन था 200,40,00,000 रुपए, साथ ही साथ पहले हफ्ते कलेक्शन था 332,67,00,000 रुपए और इसी के साथ एनिमल मूवी का इंडिया नेट कलेक्शन हुआ था 542,00,000। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन था 648,00,000 रुपए और ओवरसीज कलेक्शन था 253,00,000 रुपए। तो दोस्तों बात कीजिए एनिमल मूवी की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो 901,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ था एनिमल मूवी का। और दोस्तों बात कीजिए इस मूवी के बजट के बारे में, तो 140,00,000 का बजट था और ये मूवी हो चुकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और दोस्तों इसी के साथ एनिमल मूवी बन चुकी इंडिया की चौथी हाई ग्रोसिंग मूवी। तो दोस्तों साथ ही साथ बात करते हैं इस मूवी का IMDb रेटिंग की, तो 6.8 की रेटिंग मिल चुकी है इस मूवी को। तो दोस्तों आपने भी एनिमल मूवी देखी हो तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना और इसी तरह के मूवी के कलेक्शन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।